और पुलवामा आतंकी हमले के बाद आतंकी कैंप पर भारतीय फौज की जवाबी कार्रवाई विपक्षी दलों ने सराही है। दिल्ली में 21 विपक्षी दलों की बैठक हुई जिसमें भारतीय सेना के शौर्य की सराहना की गई। इसके साथ ही पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की निंदा भी की है। उन्होंने कहा कि देश के सामने जो चुनौती है उसमें किसी तरह से किसी भी रूप में मतभेद और मनभेद का सवाल नहीं है। विपक्षी दलों की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सभी दलों ने 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर आतंकी हमले की आलोचना की है। उन्होंने साथ ही कहा कि जिस तरह से भारतीय सेना के अदम्य साहस का परिचय देते हुए पीओके और बालाकोट में आतंकी ठिकानों को तबाह किया वो काबिले तारीफ है। सभी दलों को भारतीय फौज पर गर्व है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर पारदर्शी तरह से विपक्षी दलों के साथ राय साझा करनी चाहिए। The meeting of 21 parties expressed their deep anguish over the blatant politicization of the sacrifices made by our armed forces by leaders of the ruling party. National security must transcend narrow political considerations. The leaders observed that the Prime Minister has regrettably not convened an all-party meeting as per the established practice in our democracy. The leaders expressed concern on the emerging security situation. Post the statement from the MEA regarding targeting of our military installations and loss of one of our fighter aircraft, the leaders condemned the Pakistani misadventure and expressed their deep concern for the safety of our missing pilot. नेताओं ने मौजूदा सुरक्षा हालात पर भी गहन चिंता व्यक्त की। सभी राजनीतिक दलों ने आज हमारे विदेश मंत्रालय द्वारा जारी उस बयान का संज्ञान लिया जिसमें पाकिस्तान द्वारा हमारे सैन्य ठिकानों पर आक्रमण व एक लड़ाकू जहाज की क्षति की चर्चा की गई है। सभी नेताओं ने पुरजोर तरीके से पाकिस्तानी दुस्साहस की कड़ी निंदा की व हमारे वायुसेना के पायलट की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। 21 राजनीतिक दलों के सभी नेताओं ने सरकार से आह्वान किया कि भारत की संप्रभुता वे एकता की रक्षा के लिए उठाए जाने वाले हर कदम पर राष्ट्र को विश्वास मिले।